अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं YouTube चैनल स्टैंड रियल एस्टेट। आज हम आपको चार मरले का ये खूबसूरत डिजाइन किया गया हाउस विजिट करवाने जा रहे हैं, जिसकी लोकेशन है इस्लामाबाद सेक्टर G13 में। सबसे पहले इसके फ्रंट एलिवेशन को डिस्कस कर लेते हैं। क्लोजली अगर मैं चेक कराऊं तो ये कुछ हिस्से पे स्टोन टाइल वर्क और वेदर शीट का काम किया गया है। कारम की स्पेस के ऊपर आप चेक कर सकते हैं, इधर टफ टाइल का काम किया गया है और राइट साइड के ऊपर आप देखेंगे इसका खूबसूरत छोटा सा ग्रीन एरिया वर्ड। अगर इसके मेन इंटरेस्ट डोर वर्क की बात करें तो ब्लैक कलर में खूबसूरत इसका हाइटेड जो है वो डोर वर्क दिया गया है। तो इंटर होते हैं इसके कारपोर्ट्स में। सबसे पहले आपको देखने को मिलती है इधर एक गाड़ी की इजीली पार्किंग एवर्स। नीचे फ्लोर प्लान आप देख सकते हैं टाइल वर्क का और ऊपर वाली साइड के ऊपर खूबसूरत सीलिंग डिजाइन वर्क। राइट साइड के ऊपर अगर मैं अपने व्यूअर्स को चेक करवाऊँ, नीचे सेपरेट टैंक है पानी की अपलिफ्ट के लिए, जो है पंप वगैरह आप देख सकते हैं इंस्टॉल है। अगर इसके सामने थ्री डोर को डिस्कस कर लें तो लेफ्ट साइड वाला सेपरेट अगर आप ऊपर वाले पोर्शन को यूज़ करना चाहें तो उधर से इंटरेस्ट है। सेकंड ये ग्राउंड पोर्शन की मेन इंटरेस्ट है इधर से, और राइट साइड वाला है ग्राउंड पोर्शन के। इसको आप बेडरूम के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं और एज ए गेस्ट बेड के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इंटर होते हैं इसके खूबसूरत व्यूअर्स ग्राउंड पोर्शन की जानिब, जिसमें सबसे पहले ये एक छोटी सी लिविंग स्पेस जो है वो आपको देखने को मिल जाएगी, जिसको आप एज ए टीवी लाउंज के तौर पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं और छोटा सा जो है वो इधर डाइनिंग वगैरह भी जो भी है आप अपने तरीके से जो है वो इस स्पेस को खूबसूरत तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं। वर्ड्स अगर इसका नीचे फ्लोर प्लान को डिस्कस कर लें तो खूबसूरत टाइल वर्क की डिजाइनिंग की गई है और ऊपर इसका सीलिंग डिजाइन वर्क देखने को मिलता है। वर्ड्स तो हम सबसे पहले आपको ग्राउंड पोर्शन का खूबसूरत जो है वो किचन चेक करवाएंगे वर्ड्स, जिसकी आप सबसे पहले ऊपर वाली साइड के ऊपर वर्ड्स ब्लैक कलर की शीट्स वगैरह चेक कर लें। नीचे अगर आप देखें तो वर्ड्स खूबसूरत व्हाइट कलर के साथ इसको डिजाइन किया गया है और राइट साइड के ऊपर वर्ड्स इधर है इसका वॉश एरिया है और साथ ही इधर देखने को मिल जाएगा इसका बंडल और ऊपर वाली साइड के ऊपर हुड व्यूअर्स आप चेक कर सकते हैं। इधर किचन से ही इसकी बैक जो है गैलरी की इंटरेस है, जिधर गीजर वगैरह आप चेक कर सकते हैं इंस्टॉल किया गया हुआ व्यूअर्स। ये है इसका किचन का टूर व्यूअर्स। अभी हम चलते हैं इसके ग्राउंड पोर्शन का जो ये वाली स्पेस है, इसको आप ड्राइंग रूम के तौर पर भी और एज ए बेडरूम के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको चेक करवाते हैं व्यूअर्स। तो एंटर होते हैं इसका खूबसूरत नीचे फ्लोर पैन आपको देखने को मिल जाता है, ऊपर आप चेक करेंगे इसका खूबसूरत सीलिंग डिजाइन वर्क। सामने आ जाएगी इसकी विंडो वेंटिलेशन के लिए और ये डोर आप अपने गेस्ट वगैरह के लिए इस एरिया को जो है वो इजीली यूज़ कर सकते हैं इंटर स्टोर वर्क को। इस बेडरूम में या इसको आप ड्राइंग रूम बना सकते हैं, जिसमें जो है प्रॉपर एक LCD का पॉइंट्स भी दिया गया है और इसमें मीडिया वॉल की ऑप्शन मौजूद है। साथ ही इधर आपको देखने को मिलता है इसका खूबसूरत व्यूअर्स बाथ की डिज़ाइन। व्यूअर्स आप चेक करें फुली ऊपर तक इसकी ब्लैक और ये वाली जो टाइल है, ये आपको अगर मैं क्लोजली चेक कराऊँ तो व्यूअर्स बहुत ही प्यारी और खूबसूरत सी ये टाइल को डिज़ाइन किया गया है। इंग्लिश सीट साथ इधर अगर वैनिटी की अगर मैं बात करूँ तो ये आप देख सकते हैं खूबसूरत है इसकी वैनिटी। ये है इसका बाथ की डिज़ाइनिंग। व्यूअर्स अभी हम चलते हैं इसके ग्राउंड पोर्शन के सेकेंड जो है ये मास्टर बेडरूम भी आप चेक कर सकते हैं। इसका खूबसूरत ये है इसका साइज, नीचे फ्लोरिंग आप देख सकते हैं, ऊपर इसका सीलिंग डिजाइन वर्क। राइट साइड के ऊपर अगर मैं चेक कराऊँ तो ये बड़े साइज के आपको कैबिनेट्स देखने को मिल जाते हैं। इधर आ गई है इसकी विंडो वेंटिलेशन के लिए और साथ ही आप देखेंगे मेरे जिसकी बाथ की डिजाइनिंग खूबसूरत। व्यूअर्स सेम आप जिस तरह जो है वो फर्स्ट बाथ आपको चेक करवाया उसी तरह का ये सेकेंड बाथ है, मगर ये जो है वो टाइल इसमें जो है वो फीचर स्टाइल आप कह सकते हैं, जो कि बहुत ही प्यारी और खूबसूरत जो है वो बाथ की डिज़ाइनिंग में इजाफा कर रही है। अभी हम चलते हैं इसके ऊपर वाले पोर्शन में। उससे पहले मैं अपने व्यूअर्स को क्लियर कर दूं, ये वाला जो घर है इसको आप सिंगल यूनिट भी इस्तेमाल कर सकते हैं और डबल यूनिट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इधर से अगर पार्टीशन करें सामने ऊपर तक जो है वो इसको जो है एक पोर्शन को रेंट आउट कर सकते हैं, जिसका इस टाइम इस्लामाबाद सेक्टर आज की डेट के लिहाज से इस सेक्टर G13 में एक पोर्शन की रेंटेड वैल्यू 50,000 चल रही है और पूरे घर की 1,00,000 के अराउंड अबाउट जो है वो इजीली इसको रेंट आउट हो जाता है। अभी हम आ गए हैं सबसे पहले ऊपर वाले पोर्शन में। मैं अपने व्यूअर्स को चेक कराऊंगा इसका ये छोटा सा टेरेस वाली स्पेस है व्यूअर्स, इसके जो है वो सिटिंग के तौर पर व्यूअर्स इसको आप यूज़ कर सकते हैं। ये वाली स्पेस है कुछ छोटी सी जी व्यूअर्स। तो इधर से ऊपर वाले पोर्शन में खास बात ये है कि ये एक काफ़ी बड़े स्पेस में जाइए आपको लिविंग स्पेस जो है वो देखने को मिल जाती है, जिसका ऊपर खूबसूरत सीलिंग डिज़ाइन वर्क चेक करेंगे व्यूअर्स। तो एंटर होते हैं इसके फर्स्ट मास्टर बेडरूम की जाने व्यूअर्स। ये आप देखेंगे इसका खूबसूरत मास्टर बेडरूम, नीचे फ्लोर प्लान आप देख सकते हैं, ऊपर इसका सीलिंग डिज़ाइन वर्क, सामने विंडो आ जाएगी वेंटिलेशन के लिए और इधर आ जाएगी इसकी फीचर वॉल्स व्यूअर्स। लेफ्ट साइड के ऊपर आ जाएंगे इसके इधर बड़े साइज के कैबिनेट्स और साथ ही आपको देखने को मिलता है इसकी बाथ की डिज़ाइनिंग सेम ये जिस तरह ग्राउंड पोर्शन में इस एरिया के ऊपर जो नीचे बेडरूम है उसी तरह का ऊपर वाले ये बाथ की डिज़ाइनिंग है व्यूअर्स। अभी हम चलते हैं इसके सेकंड बेडरूम की जानिब। ये आ जाएगा खूबसूरत सेकंड मास्टर बेडरूम, ऊपर सीलिंग डिज़ाइन वर्क,
राइट साइड के ऊपर आ जाएंगे कैबिनेट्स, नीचे फ्लोरिंग और ये साथ आ जाएगी इसकी खूबसूरत व्यूअर्स बाथ की डिजाइनिंग फुली ऊपर तक व्यूअर्स। अभी हम चलते हैं इसके जो है वो ऊपर वाले पोर्शन के किचन की जाने। तो ये आगे है व्यूअर्स इसका किचन, ये सेम एज इट इज जिस तरह ग्राउंड पोर्शन में किचन डिजाइन किया गया है उसी तरह ही ऊपर वाले पोर्शन का किचन की डिजाइनिंग है। बर्नल को अगर मैं क्लोजली आपको चेक कराऊँ तो ये आप देख सकते हैं ऊपर इसका हुड और इधर इसका आ गया वॉश एरिया है। इसी किचन से ही ये आ गया इसकी बैक गैलरी के एंट्रेंस, जिसका सेपरेटली ऊपर वाले पोर्शन का गीजर जो है वो इंस्टॉल किया गया हुआ है व्यूअर्स। ये था इसका ऊपर वाले पोर्शन का शॉर्ट सा कंप्लीट टूर व्यूअर्स। अभी हम चलते हैं इसके जो है वो छत की जानिब, तो जैसे देखेंगे आप शेड्स का डिज़ाइन क्लोजली और राइट साइड के ऊपर स्टील एंड स्टील की ग्रिल। इस व्यूअर्स घर में ख़ास बात यह है कि ऊपर जो छत के ऊपर है ये बेडरूम क्लोज प्रॉपर एक छोटा सा बेडरूम डिज़ाइन किया गया है, जिसको आप लेफ्ट साइड पे सबसे पहले ये देखें, इसमें कैबिनेट्स की अलमारी की स्पेस भी दी गई है, साथ विंडो भी मौजूद है और इसके बिल्कुल सामने बाग दिया गया है, जो कि अमूमन आज से पहले जितने भी हमने घर देखे हैं उनमें ये एक ख़ास बात नहीं होती व्यूअर्स। तो इंटर होते हैं छत पे, छत के अगर फ्रंट साइड आपको अपने व्यूअर्स को चेक कराऊँ तो ये आप जैसे देख सकते हैं इसकी लॉन्ड्री की स्पेस इधर वाले साइड के ऊपर ये दी गई है, साथ बैक साइड पे बड़े साइज का सेपरेट टैंक और ये टोटल ममटी का कवर्ड एरिया। अभी हम घर की डिमांड को डिस्कस कर लेते हैं, तो 3,85,00,000 इस घर की डिमांड है व्यूअर्स। काइंडली देखना से रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।